गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ घुमाने के लिए मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में, जहाँ हम देखेंगे स्टोन कैफे और उसके साथ साथ हम घूमने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारे मोन्यूमेंट। जी हाँ, तो जल्दी से ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। मैं आ गया हूँ मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में। यहाँ तक आने की अगर बात करें तो आप जो है मेट्रो से भी आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन है और वहाँ से आप ऑटो या रिक्शा करके भी यहाँ तक आ सकते हैं। आप अगर आपके पास अपना कन्वेंस है तो आप अपनी गाड़ी भी यहाँ तक लेके आ सकते हैं और बिल्कुल अंदर ही गाड़ी की पार्किंग भी दी गई है, तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी से भी आराम से पहुँच सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आगे मैं आपको दिखलाने वाला हूँ ये सारे मोन्यूमेंट्स और ये कैफे रेस्टोरेंट। तो रास्ता जो मेन रोड से होते हुए यहाँ आता है और यहाँ से हम जाएंगे अंदर, इधर की तरफ जाएंगे, इधर कुछ और मोन्यूमेंट्स दिए हुए हैं और इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से मोन्यूमेंट्स की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो गाइस, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर जो है कैफे प्लस मोन्यूमेंट, यहाँ पर आपको जो है सभी कुछ यहाँ पर एक ही जगह पर आपको मिलने वाला है। तो बेहद ही खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है और फिलहाल हम चल रहे हैं आगे की तरफ। जो जो मोन्यूमेंट्स यहाँ पर आते रहेंगे वो सब मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता रहूँगा। सबसे पहला जो मोन्यूमेंट्स आता है वो आता है जमाली कमाली की मस्जिद। तो जमाली कमाली की मस्जिद देखते हैं सबसे पहले, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये है जमाली कमाली का ये एंट्री गेट, यहाँ से हम चल रहे हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं जमाली कमाली की मस्जिद, ये आप देखिए। तो गाइस, मस्जिद में चल रहा है कुछ मेंटेनेंस का काम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जमाली कमाली मस्जिद। ये देखिए गाइस, ये है जमाली कमाली की मस्जिद और यहाँ पर जो है काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं इसको फिर से मेंटेन किया जा रहा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। गाइस, इस जगह के अगर इतिहास की बात की जाए तो ये जो मस्जिद है 1531 में बनवाई गई थी ऐसा बतलाया जाता है, और ये जो जमाली थे ये दरबारी कवि हुआ करते थे लोदी काल में भी, और फिर मुगल्स जब आ गए थे तो मुगल काल में भी ये दरबारी कवि हुआ करते थे, और ये एक सूफी संत भी थे। तो उनके इंतकाल के बाद उनको यहाँ पर दफनाया गया था। यहाँ अगर आप देखेंगे साइड में, यहाँ पर इनका मकबरा बना हुआ है। दूसरे जो थे संत कमाली, कमाली के नाम की यहाँ मतलब कोई भी डिटेल नहीं है, कमाली हो सकता है कि उनके शिष्य रहे हों उस टाइम पर, तो दोनों की कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं जिनके नाम पर ये जमाली कमाली मस्जिद और ये मकबरा इस जगह को बोला जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं बाहर की तरफ और आगे मैं आपको बलबन बादशाह का मकबरा वो भी आपको दिखलाऊंगा, और उसके बाद फिर हम चलेंगे यहाँ से उस कैफे की तरफ। तो यहाँ जब आप आएंगे तो आपको काफ़ी सारे मोन्यूमेंट्स और ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स और ये रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। तो अब आप यहाँ पर, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो चुकी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर आराम से आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर काफ़ी चहल पहल हो चुकी है। पहले एक टाइम ऐसा होता था कि यहाँ पर कुछ भी मतलब इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर आते थे घूमने के लिए, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आने लगे हैं। मैंने आपको दिखलाया था जमाली कमाली की मस्जिद और जमाली कमाली का मकबरा, और यहाँ आप देखेंगे एक और मोन्यूमेंट यहाँ पर आपको मैं दिखलाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 12वीं सेंचुरी की एक मार्केट भी हो सकती है, और ये सारे खंडर आप यहाँ पे
देख सकते हैं ये सब 12वीं सेंचुरी के ये खंडर है। इसी से आगे चलकर यहाँ से आता है बलबन बादशाह का मकबरा। तो गाइस ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है ये खंडर, ये आप देख सकते हैं 12वीं सेंचुरी की ये मार्केट हुआ करती थी एक टाइम पे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस ये काफी सारे खंडरों को पार करते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं, ये आप देख लीजिए, इसे कहा जाता है बलबन बादशाह का मकबरा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस अभी मैंने दिखलाया आपको बलबन बादशाह का मकबरा और यहाँ मैंने आपको दिखलाई जमाली कमाली की ये मस्जिद, और अभी हम चल रहे हैं आगे उस रेस्टोरेंट की तरफ जिसका नाम है कैफे स्टोन। तो यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की तरफ और अभी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस हम उधर से आए हैं और यहाँ आप देखेंगे यहाँ गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह दी हुई है और आप यहाँ पर अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो और जो मोन्यूमेंट्स यहाँ पर हैं इन सब की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। और इधर की तरफ मैं अगर आऊँ तो यहाँ पर आपको कैफे स्टोन, ये आप देखिए यहाँ से सीधे आपको चले जाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से होते हुए पीछे से अब आए हैं और यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुली खान का मकबरा, मेटकैफ हाउस और ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला, और यहीं पर हमारी है लोकेशन कैफे स्टोन। तो हम चल रहे हैं आगे की तरफ, ये आप देखेंगे टाइल्स लगी हुई हैं और बेहद ही साफ रास्ता। हम पहुंच चुके हैं स्टोन कैफे के एंट्री गेट पे, लेकिन मैं आपको बतला दूं लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर तो कोई भी टिकट यहाँ पर नहीं हुआ करता था। यहाँ पर सामने कुली खान का मकबरा भी है, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। तो फिलहाल हम टिकट लेते हैं और टिकट लेकर चलते हैं अंदर, जो कि 30 रुपीज का टिकट यहाँ पर लगा दिया गया है। तो टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ से आएंगे और ये है यहाँ पर टिकट काउंटर, टाइमिंग लिखी हुई है 7 बजे से, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक की टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमने टिकट ले ली है, 30 रुपीज की टिकट नॉर्मल एंट्री की हमें मिली है और अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। अभी मैं पहुंच गया हूं इस आर्कियोलॉजिकल पार्क की सबसे खूबसूरत जगह पर। खूबसूरत मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको यहां दिखलाने वाला हूं। यहां पर आपको फाउंटेन्स भी देखने के लिए मिलेंगे और साथ में जो है कुतुब मीनार भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं काफी सारे खूबसूरत फाउंटेन्स यहाँ पर चल रहे हैं, ये आप देख लीजिए। सामने जो है ये मेटकाफ हाउस और उसके ऊपर जो आपको वो दिख रहा है वो है कुली खान का मकबरा, जो अकबर के सिपह सालार हुआ करते थे। ये भी मैं आपको ऊपर चल के अभी दिखलाने वाला हूँ। और ये आप देखिए ये काफी सारे फाउंटेन्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके साथ में अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको कुतुब मीनार का भी नजारा यहाँ से आपको मिलने वाला है, ये आप देख लीजिए। यहाँ जब हम आते हैं तो ये आप देखेंगे इधर है ये कुली खान का मकबरा, इधर मैं आपको बाद में लेकर चलूंगा, पहले हम ये देखते हैं इधर है ये मेटकाफ बोट हाउस। तो ये आप देख लीजिए कितना खूबसूरत, ये आप देख लीजिए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत, ये आप ये गाइस बस यहाँ से आप देख सकते हैं ये फाउंटेन्स जो मैंने उस साइड से भी आपको दिखलाए थे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ से जब हम बाहर की तरफ चलेंगे तो सामने बिल्कुल सामने आता है कुली खान का मकबरा, जो अकबर के सिपह सालार हुआ करते थे। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ। तो गाइस ये हम चल रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ, और ये आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल सामने की तरफ, ये आप देखेंगे ये कुली खान का ये मकबरा, ये आप देखिए। तो ये भी मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार। बस ये है कुली खान का मकबरा, इधर से है रास्ता, और ये आप देखेंगे तो ये है कैफे स्टोन। तो पहले कैफे स्टोन चलते हैं, फिर मैं आपको दिखलाता हूँ कुली खान का मकबरा। तो भाई ये आप देख सकते हैं काफी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये यहाँ पे ये रेस्टोरेंट रिसेंटली ओपन हुआ है, उसी टाइम यहाँ पे हुआ, और यहाँ से आपको ये शानदार व्यू, शानदार नज़ारा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल चल रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और अंदर से भी मैं रेस्टोरेंट आपको दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है द कैफे स्टोन का, ये इनके यहाँ के बोर्ड। तो यहाँ से हम चल रहे हैं अंदर, और ये अंदर से मैं आपको ये दिखलाता हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पर है इनका ये किचन एरिया, ये आप देखते हैं काफ़ी सफाई से यहाँ पर जो है चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो पिज़्ज़ा बना रहे हैं भाई साहब, वेरी गुड। तो ये आप देख सकते हैं ये इनका अंदर का काउंटर है, और ये आप देख लीजिए ये बेहतरीन रेस्टोरेंट। तो भाई मैं हूँ इस टाइम ये कैफे स्टोन, स्टोन इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों का ही बना हुआ है, कैफे ऑलरेडी है ये, तो इसीलिए इसका नाम कैफे स्टोन रखा गया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। हालांकि छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल, जो अगर आपने आर्कोलॉजिकल पार्क के मेरे पहले ब्लॉग अगर देखे होंगे तो उन ब्लॉग में अगर आप देखेंगे तो एकदम जंगल टाइप यहाँ पर उस टाइम पर हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अब इसको जो है गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया है, और यहाँ पर पार्क अगर आप देखेंगे फाउंटेन्स वगैरह चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत इसको बना दिया गया है। और अंदर चल के जो इनके प्राइजेज हैं ये भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी पुराने ये जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं फॉर डेकोरेशन पर्पज़, और ये है यहाँ का इनका इंटरनल एरिया। सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बात की थी इनके मैनेजर से, वो कह रहे हैं कि डेली फ्रेश आइटम्स यहाँ पर इनकी होती हैं, और इंडियन और फॉरनर्स काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते रहते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ कुली खान जो अकबर बादशाह के सिपह सालार हुआ करते थे, उनका यहाँ पर मकबरा बना हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखलाने वाला हूँ। तो बस यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और अपना डे इन्जॉय कर रहे हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है स्टोन कैफे, और यहाँ पर एक ये भाई साहब हमें मिले हैं, ये भाई आप कहाँ से आए? आप लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर से ये भाई आए हैं सिर्फ और सिर्फ ये कैफे घूमने के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो कैसे पता लगा इसका? ब्लॉग से ही पता लगा, ब्लॉग के थ्रू पता लगा। तो गाइज ये है यूट्यूबर्स की पावर, आप देख सकते हैं ऐसे ही नहीं, मतलब कि आप देखिए ये एक टाइम पर एक जंगल हुआ करता था, और आज के डेट में इसको फेमस कर दिया है सिर्फ यूट्यूबर्स ने। तो मैं सभी यूट्यूबर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि यार आपकी बदौलत आज ये जगह आप देख सकते हैं क्या बेहतर ये जगह हो गई है। गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ, क्योंकि की तो गवर्नमेंट नहीं है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है कैफे स्टोन, और अब मैं आ गया हूँ ऊपर की तरफ, और अब मैं आपको दिखलाने वाला हूँ ये खूबसूरत मकबरा, जो कि कुली खान का मकबरा है। तो गाइस ये आप देखिए काफ़ी खूबसूरत ये मकबरा बना हुआ है ये, और हम चल रहे हैं इसके ऊपर की तरफ, ये आप देखेंगे यहाँ से कुतुब मीनार का एक सुंदर व्यू आप देख सकते हैं। ये है ये कुली खान का ये मकबरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और
तो गाइस ये आप देखिए काफ़ी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से चल रहे हैं हम बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आप देखेंगे तो एक और गुंबद सामने बनी हुई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुतुब मीनार का एक सुंदर व्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखलाया ये स्टोन कैफे, जो कि आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि एक टाइम पर यहाँ पूरा ये जंगल हुआ करता था और इसको जो है गवर्नमेंट ने मेंटेन कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगल में मंगल, मतलब वो वाली कहावत अब सिद्ध होने लगी है। तो ये आप देख सकते हैं आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखलाई जमाली कमाली की मस्जिद, फिर मैंने आपको दिखलाया ये कुली खान का मकबरा और स्टोन कैफे। तो आप देख सकते हैं एक ही जगह पर आपको मोन्यूमेंट्स प्लस रेस्टोरेंट, काफ़ी चीज़ें आपको एक ही जगह पर एंजॉय करने के लिए मिल जाएंगी। तो होपफुली ये आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।